हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। देख सकते हो यहाँ पे मैं पंखा साफ कर रही हूँ, घर की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। और आजकल पता ही है मेरे साथ क्या हुआ है, तो इसलिए साफ़ सफाई करके मैं निपटना चाह रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कर करके मैं काम कर रही हूँ, और एक दिन में अगर सारा काम करती हूँ तो मेरा हाथ पाँव कमर में दर्द हो जाता है। तो अभी मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं कपड़ा उपड़ा धोती हूँ, तो देख सकते हो कितना धूल मिट्टी जम जाता है। तो आज मैं इसको हल्का गीला कपड़ा से पोछा से मैं पोछ रही हूँ, और सच में चमक गया मेरा पंखा। देख सकते हो, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, पूरा एकदम न्यू हो गया, चकाचक हो गया। वैसे मौका नहीं मिलता है, ऊँचा रहता है तो पोछने का, मगर आज मैं प्लान बना लिया कि आज मुझे पंखा साफ़ करना है तो करना है। तो बस देख सकते हो मैं सफाई में लगी हुई हूँ। और आप सब कैसे हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और बस देख सकते हैं सफाई हमारी चल रही है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, देख सकते हो हमारा पंखा कितना चकाचक हो गया, क्लीन हो गया। देख सकते हो कितना, एक भी अब धूल मिट्टी नहीं है, पहले जैसे हो गया। देख सकते हैं दोनों तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ देखिए मैं टंकी की साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ, आज मैं टंकी में घुसी हूँ। और एक जो अभी ग्रीन पाइप आप देख रहे थे, इसमें हस्बैंड लगाए थे कि टंकी भर जाती है तो छत पे पानी गिरता है, तो इसलिए कि पानी छत पे ना जमे तो पाइप लगा दिए हैं कि पानी टंकी भरेगा तो डायरेक्ट बाहर गिरेगा। तो कोरोना हाथ ही इसमें, मतलब हैंड वॉश तो किए थे मगर जो पाइप था टोटी होता है वो उसको नहीं धोए थे, फिर उसी में सेट किए। तो मन में डर सा लग जाता है कि कहीं कोरोना वायरस हुआ तो छोटी सी चूक को, छोटी सी गलती को कहीं बड़ा कीमत ना चुकाना पड़े। तो इसीलिए मैं आज टंकी की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और बस ये 7 से 8 महीना हो गया था, एक बार पूरे गर्मी जब आया था तब हमने साफ़ सफाई किया था, और 7 से 8 महीना हो गया है और फिर मैं आज साफ़ सफाई कर रही हूँ। देखिए कितना गंदा पानी जमता है नीचे, धूल मिट्टी। और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ साफ़ सफाई में ही लगे हुए हैं। और देख सकते हो ये हमारे हस्बैंड हाथ में मोबाइल पकड़ रखे हैं, इसलिए इधर से इधर घूम रहा है, वो कभी वीडियो करते नहीं है, बच्चा ही करता है या मैं खुद स्टैंड पे लगा के करती हूँ। आज तो मैं टंकी में ही घुस गई थी, फिर बच्चा नीचे था और छत पे मैं आई थी तो कोई था नहीं। तो देख सकते हो ये भी छत की सफाई कर रहे हैं, इधर मैं टंकी की सफाई कर रही हूँ। ये अंदर में पूरा क्लीन हो गया है। और इधर देखिए सर्फ से मैं थोड़ा सा टंकी को धो दिया था अंदर से, फिर साफ पानी करके इसको अच्छे से बारीकी से धो दिया हूँ। और देखिए टंकी के ढक्कन पे भी धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी साफ़ सफाई कर दूँ। और अंदर देखिए क्या होता है, कभी कभी पानी जो ख़राब आ जाता है ना तो अंदर टंकी के ढक्कन पे ही जमा हुआ है, तो इसको भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। और ऊपर से पानी गिरा है तो देखिए यहाँ पे भी धूल मिट्टी जम गया। यहाँ का तो मैं साफ़ सफाई करते रहती हूँ पौधे के आसपास, मच्छर ना पनपे, क्योंकि आजकल जो है कोरोना वायरस तो है ही है, अब इधर डेंगू मलेरिया का भी डर होता है। तो यहाँ पर तो मैं अक्सर जब भी मैं कपड़ा उपड़ा धोती हूँ तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, मगर यहाँ पे भी थोड़ा इधर से इधर पौधे और गमले को इधर से इधर कर दूँगी। तो देख सकते हो कितना धूल मिट्टी जमा हुआ है, आप देख सकते हो। और मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया है, खाना तो मैं बना ली हूँ मगर अभी तक खाया नहीं है, तो बस साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और सुबह सुबह ही खाना बना लिया था। तो देख सकते हो और कितना धूल मिट्टी निकल रहा है। और इधर एक पौधे जो है, ढेर सारे पौधे सदाबहार का बूढ़ा हो गया था और सूख भी गया था, तो जो सूखा हुआ पौधा था उसको मैं निकाल दिया हूँ, और जो बढ़िया बच्चा जो बेबी प्लांट है उसको मैं प्लांट कर लेती हूँ। देख सकते हो तो इसको डब्बे में मैं लगा देती हूँ और इसको भी सेट कर दूँगी। अभी एक दो दिन थोड़ा सा इसका, ये बहुत ही नाजुक है, तो एक दो दिन इसको सेट होने में लगेगा टाइम, तो मैं यहाँ पे इस डब्बे में लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि आलू भी इसमें, आलू बच्चे डाल दिए होंगे तो आलू का भी प्लांट निकला था छोटा सा,
यहाँ देख सकते हो मैं इधर से इधर गमले उमले को घिसका रही हूँ, मगर यहाँ पे स्टैंड में नहीं लगाई हूँ। देख सकते हो मेरा हालत कितना ख़राब हो चुका है। और आज एक खुशखबरी है कि मेरे हस्बैंड गए थे टिकट बनवाने के लिए बिहार जाने के लिए, दिल्ली से बिहार, तो टिकट तो बहुत टाइम के बाद आए और बोला कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल परसों आइएगा। तो देखते हैं, मेरे हस्बैंड कल भी जाएंगे, देखती हूँ कि क्या बोलता है नहीं बोलता है टिकट बनवाने के लिए। तो बस बिहार जाने की तैयारियाँ चल रही है, मैं अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं अपनी पूरी तैयारी कर लूँगी, यहाँ घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, फिर बिहार जाऊँगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा घर उर धोने का। तो मैं धीरे धीरे आज से ही मैं अपना काम में लग गई हूँ, कपड़े उपड़े थोड़े थोड़े करके मैं धोऊँगी। और जैसे कि मैंने बताई अभी कि मैं खाना बना लिया था, आज सैटरडे है तो खिचड़ी बनाई थी, सिर्फ खिचड़ी गला के खिचड़ी के अंदर ही आलू डाल दिया था और फिर मैं अपना काम में लग गई। और उसके बाद ये जो खिचड़ी है वो थोड़ी ढीली होती है, तो तरी वाली होती है हल्की, तो अच्छा लगता है, मगर ये पूरा सूख गया है तो इसलिए इसमें मैं तड़का लगाई हूँ। और तड़का लगाने के बाद इधर पानी उबल रहा था तो ये उबला हुआ पानी तड़का में ही डाल देती हूँ, और ये जो खिचड़ी बना हुआ है उसको भी इसमें डाल के थोड़ा सा गीला कर लूँगी, क्योंकि खिचड़ी जो होता है थोड़ा गीला गीला अच्छा होता है, मगर इधर खिचड़ी जो है टाइट हो गया था जैसे कि आप देख रहे हो। तो इधर मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पे, फिर हमारी खिचड़ी बनके रेडी हो जाएगी। और इधर देख सकते हो फोकचा भी तली हूँ, और बच्चे को पता ही है सबको फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, और ये मेरे ख्याल से फोकचा जो है सबका फेवरेट होता है। और सिंपल मैं चोखा बना रही हूँ, देख सकते हो सरसों का तेल डाली हूँ और सूखी मिर्च, और इधर मैं पका रही हूँ और आलू को भी गूँध लेती हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मिर्ची डाल देती हूँ और इसको गूँध के मैं चोखा बना लूँगी नमक डाल के। नमक के साथ मिर्ची बहुत बारीक बनता है, गूँधता है, तो इसको मैं गूँध लूँगी। और उसके बाद देख सकते हो, और हस्बैंड जो है थोड़ा ज़्यादा आज मेहनत किए, वैसे तो मेहनत ज़्यादा मैं किया हूँ, वो सिर्फ छत पर झाड़ू से धूल मिट्टी इकट्ठा कर दिए थे, मगर टंकी की सफाई वगैरह तो मैं ही की हूँ, तो हम दोनों ही बराबर काम किए हैं। तो आज हस्बैंड को घी डाल के खाना दे देती हूँ, ऐसे ही कभी कभी डाइटिंग कर लेते हैं कि ज़्यादा तेल वेल वाला नहीं खाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो खाना उना खाने के बाद थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा रात हो गया, शाम हो गया, इधर जो है 5:30 बजे 5:45 बजे के आसपास ही अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पर 5:45 हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि कल का क्या इंतज़ार करना, जो काम करना है अभी कि अभी काम कर लेते हैं। और बस कहते हैं ना कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, तो मैं यही सोच के मैं सोची कि चलो ये काम मैं आज ही कर लेती हूँ, कल अगला काम दूसरा काम करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो मैं कपड़ा साबुन सर्फ से निकाल लिया हूँ और पानी से मैं निकाल लेती हूँ घर के। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।